हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कपिल क्लासेस फॉर इंग्लिश। और आज की जो हमारी क्लास है वो है इम्पोर्टेंट फोन कॉल्स फ्रेजेस। कौन कौन सी फ्रेजेस हैं जो हम फ़ोन कॉल्स के दौरान यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले अगर आप बोल रहे हैं किसी को, आप कॉल करते हैं तो आप बोल सकते हैं आपको किसी से बात करनी है, तो आप बोलेंगे आई वुड लाइक टू स्पीक टू, जिससे भी आपको बात करनी है, आई वुड लाइक टू स्पीक टू मिस्टर जॉन, मिस्टर जैक, वट एवर। ठीक है, आई वुड लाइक टू स्पीक टू मिस्टर जैक। ठीक है, कभी भी ये मत बोलना, सपोज आप किसी को कॉल करते हैं मेरा नाम कपिल है, आप ऐसा नहीं बोलेंगे आई वुड लाइक टू स्पीक टू मिस्टर कपिल सर। नो, थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। देखिए, इंग्लिश बोलने में बहुत सारे आपको लगता होगा कि मैंने ये सही बोला है, लेकिन वो गलत होता है। ठीक है, आपको क्या करना है, कभी भी आपको ये नहीं बोलना है आई वुड लाइक टू स्पीक टू मिस्टर कपिल सर। नो, आई वुड लाइक टू स्पीक टू मिस्टर कपिल, या फिर आप बोलिए आई वुड लाइक टू स्पीक कपिल सर, जो भी आपको बोल रहे हैं। ठीक है, तो दोनों एक साथ नहीं लगाने हों आपको, आई वुड लाइक टू स्पीक टू मिस्टर जो भी है, या फिर आई जस्ट वाना टॉक टू, या आई वाना टॉक टू ऐसे बोल सकते हैं। आई वाना टॉक टू, जिससे भी आपको बात करनी है, आई वाना टॉक टू, जो भी आपको नाम है। आई नीड टू भी लगा सकते हैं, आई नीड टू टॉक टू, जिसको आपको बात करने की ज़रूरत है, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, और अगर आप ही बोल रहे हैं तो क्या बोलेंगे, आप ही बोल रहे हैं स्पीकिंग, तो क्या बोल देंगे, स्पीकिंग हाउ कैन आई हेल्प यू, हाउ मे आई हेल्प यू, हाउ कैन आई हेल्प यू, ऐसा भी ऐड कर सकते हैं। हाउ मे आई हेल्प यू, ऐसा भी हाउ कैन की जगह हाउ में लगा सकते हैं, कुड लगा सकते हैं। ठीक है, और अगर आप पता है, ठीक है, हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं किस तरह आपकी मदद कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन आपको नहीं पता, आपको इनके बारे में जानना है, तो आप ऐसा ही बोल सकते हैं स्पीकिंग मे आई नो हु इज स्पीकिंग, आपको बोलना है मे आई नो हु इज टॉकिंग, मे आई नो, या फिर मे आई नो हु इज कॉलिंग मी, ऐसा ही बोल सकते हैं, मे आई नो हु इज स्पीकिंग, मैं तो बोल रहा हूँ लेकिन आप मुझे बताइए आप कौन बोल रहे हैं। ठीक है, तो आपको जो बोलना है वो आप बोल सकते हैं। अच्छा, इसमें एक फ्रेज और है जो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, आई एम कॉलिंग फ्रॉम, इसका आंसर क्या आ जाएगा, अगर आपको देना है तो यहाँ भी बोल सकते हैं आई एम कॉलिंग फ्रॉम, जहाँ से भी आप बोल रहे हैं आई एम कॉलिंग फ्रॉम, जो भी है, सपोज कोई हमारे कोचिंग से कॉल कर रहा है तो बोल सकते हैं आई एम कॉलिंग फ्रॉम द कपिल क्लासेस, जहाँ से भी आपको बोलना है। ठीक है, सेइंग टू होल्ड ऑन, आप सपोज किसी ने कॉल किया था, आप ऐसे होल्ड करने के लिए आपको किसी को बोलना है, तो आप बोल सकते हैं जस्ट होल्ड फॉर ए मोमेंट, होल्ड फॉर ए मोमेंट, एक मिनट का आप वेट कीजिए, होल्ड फॉर ए मोमेंट, या होल्ड फॉर ए वाइल भी आप बोल सकते हैं, होल्ड फॉर ए वाइल, ऐसा बोल सकते हैं, और ऐसे बोल सकते हैं लीव ए मैसेज फॉर हिम, अगर वो नहीं है तो बोल सकते हैं सॉरी ही इज नॉट, सपोज अगर होल्ड करना तो ऐसा बोल सकते हैं, या फिर अगर वो मीटिंग में है, या फिर ऑफिस में है, या फिर ऑफिस में नहीं है, तो बोल सकते हैं सॉरी ही इज इन द मीटिंग, वो मीटिंग में है, या फिर ही इज नॉट इन द ऑफिस, वो ऑफिस में नहीं है, वो बाहर गए, ही वेंट आउट, ऐसा बोल सकते हैं, ही वेंट आउट, वो कहीं बाहर गए हैं। अगर मैसेज बोलना है तो ऐसे बोल सकते हैं लीव ए मैसेज फॉर हिम, इफ इट, अगर मैसेज तो बोल सकते हैं वुड यू लाइक टू लीव ए, वुड यू, सिंपली वुड यू लाइक टू, अगर आपको मैसेज के लिए बोलना है तो आप बोल सकते हैं वुड यू लाइक टू लीव ए मैसेज, लाइक टू लीव ए मैसेज फॉर हिम, क्या आप उनके लिए कोई मैसेज छोड़ना चाहते हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हैं इफ इट अर्जेंट, अगर ये अर्जेंट है तो आप मैसेज छोड़ सकते हैं, इफ इट अर्जेंट काइंडली लीव ए मैसेज फॉर हिम, लीव ए मैसेज फॉर हिम, आप उनके लिए मैसेज छोड़ सकते हैं, ऐसे कुछ बोल सकते हैं। और अगर प्रॉब्लम आ रही है, आपको आवाज़ ठीक नहीं आ रही, तो आप बोल सकते हैं योर कॉल, योर वॉइस इज़ नॉट कमिंग, ये मैंने आपको कमांड में बताया था, योर वॉइस इज़ नॉट कमिंग, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, और आवाज़ कमिंग प्रॉपरली लगा सकते हैं, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, क्लियरली लगा दीजिए, ठीक से नहीं आ रही है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं योर वॉइस इज़ क्रैकिंग, आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, योर वॉइस इज़ क्रैकिंग, कुड यू प्लीज़ कॉल मी अगेन, क्या आप दोबारा मुझे कॉल कर सकते हैं, सी ओ यू एल डी, कुड यू प्लीज़ कॉल मी अगेन, क्या आप दोबारा मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप बिजी हैं तो ऐसे बोल सकते सॉरी आई एम बिज़ी नाउ। ठीक है, ये सब फ़ोन कॉल्स हैं जिसको अगर आपको बोलना है, किसी से कॉल करता है तो आप ऐसा कुछ बोल सकते हैं।
ठीक है। इसके अलावा भी अगर आप कुछ जानना, बाकी तो बाद में आपको बातचीत शुरू कर ही देनी, जैसा मैं आपको बताया था किसी तरह से आप बातचीत कर सकते हैं, जो भी आपको बातचीत करनी है, यू नो वेरी वेल बट यू नीड टू टॉक ऑन द फोन आफ्टर रिसीविंग द कॉल्स, ठीक है। कुछ है तो राइट इन द कमेंट बॉक्स।